हाय दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं स्ट्रिंग में ही स्ट्रिंग रिवर्स का कॉन्सेप्ट। तो एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है strreb, स्ट्रिंग रिवर्स। तो उसको हम लोग इस्तेमाल करके किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं। उसका हम लोग कोड देख लेते हैं। तो यहाँ हम लोग एक नेम नाम का हम लोगों ने स्ट्रिंग लिया है जिसका साइज 20 डाला है। यूजर द्वारा इनपुट करवा रहे हैं हम गेटर्स फंक्शन के द्वारा। और एक प्री डिफाइंड फंक्शन strreb में हम लोगों ने अपना स्ट्रिंग पास किया है और इसका आउटपुट हम लोगों ने यहाँ प्रिंट कराया है। द रिवर्स इज परसेंटाइल इज नेम। तो यहाँ पे जो इसका आउटपुट आएगा आपका, आपने जैसे एक आउटपुट स्क्रीन ऐसा आएगा, लगता है मेरा मार्कर खत्म हो रहा है। तो ये आउटपुट स्क्रीन है मान लीजिए ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पहले पूछेगा क्या इंटर योर नेम, ठीक है, पूछा इसने। आपने लिख दिया राहुल लिखा। अब फिर यहाँ पर ये कर देगा द, आउटपुट आपका ये आएगा द रिवर्स, यहाँ कैपिटल है तो यहाँ भी कैपिटल ही होगा। द रिवर्स इज परसेंटाइल की जगह पे आपका रिवर्स होगा LUHAR, लुहार। तो मैं लोहार हूँ तो द रिवर्स इज लोहार आ जाएगा राहुल का उल्टा। मतलब ये है कि अगर आप ABCD यहाँ डालते हैं तो आपका आ जाएगा DCBA, रिवर्स आ जाएगा। ये इस कोड का रूल है, मतलब ये इस कोड को, ये स्ट्रिंग रिवर्स करने का ये मतलब इसका काम है। तो इसका लॉजिक समझ लेते हैं हम लोग। लॉजिक इसका समझने से पहले हम लोग एक प्रोग्राम देख लेते हैं रिवर्स का। रिवर्स लॉजिक समझने में वो प्रोग्राम काम आएगा। स्वैपिंग टू नंबर का मतलब ये है कि अगर हम दो वेरिएबल बनाते हैं, मान लिया ए में 10 असाइन करते हैं, बी में 20 असाइन करते हैं, तो हम लोग स्वैप करा दें नंबर जिसका आउटपुट ऐसा आना चाहिए कि ए का वैल्यू बी में चला जाए और बी का ए में चला जाए। जैसे हम लोगों ने दो वेरिएबल बनाया इंट ए 10, बी 20, ठीक है। अब हम लोग क्या चाहते हैं, आउटपुट स्वैप हो जाए दोनों का वैल्यू, ए मेरा हो जाए 20 और बी मेरा हो जाए 10। इसके लिए हम लोग कोड लिखना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या क्या लिखेंगे, तो अगर आप सोच रहे हैं कि डायरेक्ट ऐसे कर दें ए में बी डाल दें और बी में ए डाल दें, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाला जो भी वैल्यू होता है उसका वैल्यू राइट साइड वाली में कॉपी हो जाता है। इस लाइन का मतलब यही है, ए इक्वल टू बी का मतलब यही है कि बी का वैल्यू ए में कॉपी हो जाएगा और ए का वैल्यू जो भी होगा वो वैनिश हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। देखिए मैं बताता हूँ कैसे। बी का वैल्यू ए में डालना है तो बी का 20 इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब बी जो बी का वैल्यू 20 आ गया, बट ए जो 10 था वो 10 मिट गया, ख़त्म हो गया, वो गायब हो गया। तो अब जब हम लोग फिर ए का वैल्यू बी में डाल रहे हैं तो ए का वैल्यू अभी प्रेजेंट वैल्यू कितना है, 20 ही है, तो फिर से इसमें भी फिर से 20 आ जाएगा। तो दो आउटपुट क्या आ जाएगा, 20 स्वैप नहीं हुआ, जबकि हमको चाहिए कि बी का वैल्यू 10 हो जाए जबकि 20 ही आ रहा है, तो ये गड़बड़ हो गया। तो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक और वेरिएबल टेम्प लेंगे। टेम्प एक और वेरिएबल लेते हैं, टेम्प की मदद लेते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि टेम्प में जो जिसका वैल्यू वैनिश हो रहा था उसको पहले हम लोग असाइन कर देते हैं, ठीक है। तो टेम्प में क्या आ गया, टेम्प में क्या आ गया, 10 आ गया। ए का वैल्यू कितना था, 10 उसमें चला गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ए में बी का वैल्यू डाल देते हैं। तो ए में बी का वैल्यू डाल देते हैं तो बी का वैल्यू कितना है, 20, तो इसमें 20 आ गया, चलो ठीक है, ए इसका मिट गया। अब बी में हम लोग टेम्प डाल देते हैं, बी में कितना टेम्प कितना है, अभी 10 है, बी की ये कट जाएगा, इसमें हमारा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो टेम्प की मदद से हम लोगों ने इजीली स्वैप कर दिया। अब हम लोग प्रिंट करा दें अगर ए बी, तो स्वैप होके यहाँ बताएगा, स्वैप होके बताएगा ना, ए का वैल्यू अब 20 आएगा और बी का वैल्यू अब 10 आएगा। तो ये स्वैप कॉन्सेप्ट से हम लोग सीखेंगे कि रिवर्स स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे करेंगे हम लोग, बिना स्ट्रिंग रिवर्स प्री डिफाइंड फंक्शन को यूज़ किए बिना।
हम लोग स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे करेंगे। तो स्ट्रिंग रिवर्स करने में दो दो तरीके हो सक मतलब दो कंडीशन हो सकते हैं। एक स्ट्रिंग आपको ऑड लेंथ का हो सकता है, एक स्ट्रिंग आपको इवन लेंथ का हो सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक आपका स्ट्रिंग होगा ए बी सी डी और ई मान लिया, तो 0 1 2 3 4 ये पांच है टोटल, 1 2 3 4 5 ठीक है। एक आपका ये हो गया आपको ऑड, एक आपका इवन होगा ए बी सी डी। मैं यहाँ नल नहीं लगा रहा हूँ, नल लास्ट में होता है ये आप जानते ही हैं। नल इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि नल लगाने से कोई यहाँ पे फायदा है नहीं, नल को हम लोग को रिवर्स करना नहीं है, तो नल लगाने से फायदा है नहीं। वो हम आप नल का कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो ये इवन लेंथ का हो गया स्ट्रिंग हमारा 0 1 2 3 ठीक है। अब हम लोग दो वेरिएबल लेंगे, आई इंडेक्स नंबर हमेशा 0 होता है इसलिए जे आई को 0 से असाइन कर देंगे, और एक जे लेंगे। जे में हम लोग जो भी हमारा स्ट्रिंग है इवन लेंथ का हो चाहे ऑड लेंथ का हो उसका हम लोग लेंथ लिखना चाहेंगे ठीक है। यहाँ तो मैंने 5 चार लिया है, वो कुछ भी हो सकता है, इवन ऑड 500 1000 कुछ भी हो सकता है लेंथ, तो उसका लेंथ इसमें आना चाहिए। लेंथ निकालने का सबसे अच्छा तरीका है आप लोग जान ही रहे हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन यूज़ कीजिए strlen। इसमें इसका मान लीजिए ये जो स्ट्रिंग है इसका नाम है x है, इसमें हम लोग इसका वैल्यू डाल देते हैं 20 मान लीजिए। तो इसका नाम क्या है, तो दिखाई दे रहा है मेरा मार्कर खत्म हो रहा है, x है ठीक है। तो हम लोगों ने इसका इसका जो भी स्ट्रिंग होगा बिना नल को गिने हुए वो यहाँ पे जे पे दे देगा, इसलिए हम लोगों ने नल नहीं लिखा, क्यों जो भी ये जो फंक्शन प्री डिफाइंड फंक्शन है स्ट्रिंग लेंथ वो नल को बिना गिने हुए जो भी स्ट्रिंग का लेंथ होता है उसको गिन के वो इसमें दे देगा ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए आई है, यहाँ पे जे हम लोगों ने असाइन कर दिया, स्ट्रिंग लेंथ का मतलब जे यहीं चला जाएगा ना, मतलब एक गिनेगा 1 2 3 4 5 यहाँ पर 5 ये 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 0 0 से असाइन किया हम लोगों ने ठीक है। तो अब हम लोग क्या चाहते हैं कि इसको और इसको हम लोग वही स्वाइप करना चाहते हैं, स्वाइप का कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने बताया, तो स्वाइप करना चाहते हैं है ना। हम लोग चाहते हैं कि ए में ई आ जाए और ई में ए चला जाए, तो क्या करेंगे, तो हम लोग अपना प्रोग्राम लिखेंगे, क्या होता है एक टेम्प वेरिएबल ले लेंगे केयर टाइप का। तो हम लोग अब क्या करेंगे, टेम्प में एक्स ऑफ आई डाल देंगे, एक्स ऑफ आई कितना है, अभी आई 0 है तो एक्स ऑफ आई कितना हो गया, ए हो गया, ए आ जाएगा। और फिर हम लोग एक्स ऑफ आई में एक्स ऑफ जे डाल देंगे, तो जे कितना है, लास्ट है, इसको भी आई मान लो, इसको भी आई, इसको भी जे, ये 4 हो जाएगा यहाँ। तो जे कितना है हमारा, लास्ट है, जो भी है स्ट्रिंग जितना भी लेंथ है उसका लास्ट है, यहाँ मान लीजिए 5 लिया तो हम लोग 5, यहाँ मान लीजिए 4 लिया तो 4। तो जे का जो भी होगा वैल्यू एक्स के आई में कॉपी हो जाएगा, मतलब स्टार्टिंग में कॉपी हो जाएगा, मतलब यहाँ से ई यहाँ चला आएगा ठीक है। और फिर हम लोग क्या करते हैं कि जे में टेम्प को हम लोग पुट कर देते हैं, टेम्प को पुट कर देते हैं है ना। तो टेम्प में क्या था, टेम्प में ये था ए था, तो फिर यहाँ पे ए आ जाएगा ठीक है। और अब हम लोग को क्या चाहिए, यहाँ भी चेंज हो जाएगा, यहाँ डी आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा ठीक है। तो अब हम लोग को क्या चाहिए कि आई का वैल्यू इंक्रीमेंट हो, आई यहाँ जाए, जे का वैल्यू डिक्रीमेंट हो, जे का वैल्यू डिक्रीमेंट हो, जे यहाँ जाए, तो हम दोनों इसको आई इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर देंगे और यही लूप चलता रहे। तो यहाँ पे हम लोग एक वाइल लूप ले लेंगे। अब इसमें कंडीशन क्या होगा, तो कंडीशन हम लोग देखते हैं कि आगे क्या होगा, खुद प्रोग्राम में क्या होता है। तो यहाँ से यहाँ डी हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा, स्वैप होता जाएगा, ये दोनों
ये दोनों, ये दोनों, फिर यहाँ दोनों आ जाएगा पॉइंटर आई, और ये दोनों आ जाएगा यहाँ। तो जब दोनों आएगा तो स्वैप नहीं करना है। तो एक तो आपको मिल गया कि रुकना कहाँ पे है, जब आई इक्वल टू जे हो जाए ऑड वाले कंडीशन में। देखिए आई भी यहाँ आ गया, जे भी यहाँ आ गया, तो अब तो इसको स्वैप करना है। ठीक उसी से क्या स्वैप करना, तो स्टॉप करने का है कि ये हो गया, यहाँ पे स्टॉप करना है जब आई इक्वल टू जे हो जाए, मतलब आई जे बराबर हो जाए। अब इस कंडीशन में देख रहे हैं कि यहाँ जे है यहाँ आई है, दोनों स्वैप हो गया। अब क्या करना है, अब ये डिक्रीमेंट होगा तो यहाँ जे हो जाएगा, ये इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ आई हो जाएगा, तो मतलब फिर स्टॉप हो जाना है इसका मतलब ये, क्योंकि तो सबको तो स्वैप कर दिया। अब आई दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके जे घट गया और आई बढ़ गया, तो यहाँ आई का वैल्यू 2 हो गया, जे का वैल्यू 1 हो गया, है ना, है ना। तो अब क्या करना है, तो यहाँ रुकने का क्या कंडीशन बन रहा है, जब आई का वैल्यू ग्रेटर हो जे से, रुकने का ये कंडीशन बन रहा है। जब आई का वैल्यू, आई वैल्यू बड़ा हो गया ना जे से, तो जब आई का वैल्यू जे से बड़ा हो तो भी रुकना है ना। तो दोनों कंडीशन मिल गया हमको कि कब कब रुकना है, तो कब जाना है अंदर, कब इंटर करना है वाइल लूप में, जब ये दोनों ना हो, जब ये दोनों कंडीशन ना हो। तो ये दोनों कंडीशन कब नहीं होगा, एक ही कंडीशन बन रहा है, एक ही कंडीशन बन रहा है जब आई छोटा हो जे से, है ना। इसमें आई बड़ा हो तो रुकेगा, आई बराबर हो तो रुकेगा। तो जाएगा कब अंदर लूप में, जाएगा कब, जब आई छोटा हो। तो ये कंडीशन आप यहाँ लिखते, ये लूप में चलता रहेगा। तो ये मैंने आपको लॉजिक समझा दिया, अब आप इसको प्रोग्राम के रूप में इस लॉजिक को बैठाना, बैठा के प्रिंट ऑफ करा के एक पूरा प्रोग्राम लिखिए और खुद से उसको प्रिंट करवाइए, खुद से उसको एडिटर पे एग्जीक्यूट कराइए और देखिए मैंने आपको बहुत हद तक लॉजिक समझा दिया है। और फिर देखिए इसको बना के आप लोग, तब तक के लिए आप इसको, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह के और भी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।